जिनके जोड़ों में दर्द बना रहता हो, अकड़न रहती हो, खास करके चिकनगुनिया जैसी बीमारी के बाद से, या फिर गठियावात आमवात के पेशेंट हो, तो इन लोगों के लिए हम लेकर आए हैं एक आसान सा नुस्खा। एक ऐसा नुस्खा जो सिर्फ हफ्ते भर में ही दर्द अकड़न से निजात दिलवा सकता है। यह नुस्खा बहुत ही शानदार और इफेक्टिव है, और एक खास बात यह है कि ये ऑथेंटिक है, मीन्स इसका रेफरेंस आयुर्वेदिक ग्रंथ में मिलता है, और उस आयुर्वेदिक ग्रंथ का नाम है वैशज्य रत्नावली। तो लीजिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए नुस्खे खास, नुस्खे चिकनगुनिया या गठियावात आपकी खिदमत में पेश है। इस नुस्खे के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। नंबर एक, हरड़ हिरडा, जिसे हरितकी भी बोलते हैं, ये पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाती है। नंबर दो है सौंठ, और नंबर तीन अजवाइन। इन सबको 50-50 ग्राम इक्वल क्वांटिटी में लेकर फाइन पाउडर बना ले। कोशिश करें कि आप खुद ही इनको घर पर खरल मीन्स खलबत्ते में बारीक करें। मजबूरी हो तो मिक्सी से भी काम चल जाएगा। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो इनके अलग से रेडीमेड पाउडर भी मार्केट में मिलते हैं। बस एहतियात ये रखें कि किसी अच्छी कंपनी का ही इस्तेमाल करें, ताकि नकली माल का मिलावट का चांस न रहे, क्योंकि अगर आप गलती से नकली माल खा रहे हैं, नकली माल का नुस्खा खा रहे हैं, तो रिजल्ट भी आपको नकली ही मिलना है। अब ये जो तीनों मीन्स हरड़ सौंठ और अजवाइन का पाउडर है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले, एक रूप कर ले, यानी एक जैसा कर ले, और साफ जार में या किसी कांच की बरनी में टाइट ढक्कन के साथ इसे सेफली पैक करके रख ले। इसका इस्तेमाल कैसे करें? अगर आपको पेन मींस दर्द ज्यादा है, स्टिफनेस मींस अकड़न ज्यादा है, तो इस पाउडर को रोज सुबह शाम एक एक टीस्पून खाने के बाद गर्म पानी से लेना है। और अगर सूजन ज्यादा है, स्वेलिंग ज्यादा है, तो कच्चे छाछ या मट्ठे के साथ इसे लेना है। ऐसा लगातार एक हफ्ते तक करने से आपका दर्द अकड़न और सूजन छूमंतर हो जाएगा। ये बात याद रखें, ये सिर्फ नुस्खा है, इलाज नहीं। इन बीमारियों के परमानेंट इलाज के लिए अपने नजदीकी क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से जरूर सलाह लें। और अगर आप हमसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। याद रखें, ये कंसल्टेशन पेड है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। अपने सवाल सुझाव कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल आयुर्वेद फॉर यू पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए आयुर्वेद के साथ। धन्यवाद।